नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल अर्निंग ऑप्शंस को, बेल आइकन को दबाएं हमारे सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। YouTube पे अपना खुद का चैनल कैसे क्रिएट किया जा सकता है, उसे कैसे मोनेटाइज किया जा सकता है, उसे कैसे एडसेंस से लिंक करके पैसे अर्न किए जा सकते हैं, इसके लिए YouTube अर्निंग गाइड नाम की एक प्लेलिस्ट हमारी ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, जिसमें हमने कुछ वीडियो शेयर किए हैं जिसमें YouTube की कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ भी अवेलेबल हैं। अगर आप नए यूट्यूबर हैं या अगर आप अपना यूट्यूब में करियर बनाना चाहते हैं तो ये यूट्यूब की जो अर्निंग गाइड सीरीज़ है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे है कि बिना किसी कोडिंग के आप कैसे इजी वे में सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपनी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ सैंपल मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, साथ ही आप लोगों को ये भी बताएंगे कि मोबाइल ऐप पे कैसे ऐड लगाए जा सकते हैं, कैसे मोनेटाइज किया जा सकता है उसको, और साथ ही साथ उसे गूगल पे प्ले स्टोर पे कैसे अपलोड करके भी अर्निंग की जा सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अर्निंग ऑप्शन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ प्ले लिस्ट में देख रहे हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन अर्निंग प्लान जो हैं, इसमें आपको फेसबुक से कैसे अर्न कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के थ्रू आप कैसे अर्न कर सकते हैं, और भी कई सीरीज़ की 13 वीडियोस इसमें अवेलेबल हैं। आप बिना इन्वेस्टमेंट के अर्निंग प्लान्स यहां से देख सकते हैं। साथ ही वेस्टिज बिजनेस एक मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग का बहुत अच्छा बिजनेस ऑप्शन है, जिसके वीडियोज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैसे लोगों ने अपना करियर बनाया, 14 महीने में सिर्फ 10 लाख तक की इनकम तक पहुँचे हैं, मंथली 10 लाख की इनकम तक पहुँचे हैं, जैगुआर कार अचीव की है, ये सारी डिटेल्स। इसके अलावा बिटकॉइन अर्निंग, बिटकॉइन कैसे अर्न कर सकते हैं, फ्री बिटकॉइन अर्निंग की साइट कौन कौन सी है, बिटकॉइन को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, इससे रिलेटेड सारे वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस वेबसाइट के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उस वेबसाइट के थ्रू आप फ्री में वेबसाइट अपनी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसका नाम है appsgazer.com। गूगल पे भी आप टाइप कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप appgazer.com पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रिएट नाउ फॉर फ्री या क्रिएट ऐप, दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके आप मोबाइल ऐप क्रिएट करने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें इस वेबसाइट में काफ़ी सारे फॉर्मेट्स, काफ़ी सारे सैम्पल्स अवेलेबल हैं। जैसे आप मैसेंजर ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट है, आपका चैनल है यूट्यूब का, उसको आप अपने मोबाइल ऐप में क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या आप अपने टेक्स्ट को, कंटेंट कोई आपके पास है उसको क्रिएट करना चाहते हैं, मीडिया प्लेयर की कोई ऐप बनाना चाहते हैं, कोई गेमिंग ऐप बनाना चाहते हैं, कोई ब्लॉगर ऐप बनाना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके अलावा वेब के देख रहे हैं आप, सोशल नेटवर्किंग की कोई ऐप बनाना चाहते हैं, वेब ऐप बनाना चाहते हैं, ट्विटर जैसी कोई ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, फेसबुक पेज का ऐप क्रिएट करना चाहते हैं आप। इसके अलावा अगर कंटेंट में देखें तो पीडीएफ टैब का अगर आप कोई ऐप बनाना चाहते हैं, पेजेस आपके कुछ अवेलेबल हैं, टेक्स्ट की कुछ ऐप है वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई ऑप्शंस हैं, मीडिया है, वीडियो डाउनलोडर है, यूट्यूब का कोई ऐप है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक दो सैंपल ऐप बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले चलिए देखें हम यूट्यूब का एक चैनल ऐप बना के देखते हैं। लेट सपोज अगर आपका खुद का कोई यूट्यूब का एक चैनल अवेलेबल है और यूट्यूब के चैनल की आप एक मोबाइल ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब के ऑप्शन पर जाके क्लिक करना होगा। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर सिंपल ऑप्शन आपको दे रहा है एंटर चैनल और URL नेम, यहाँ पर आपको आपका चैनल का नाम प्लेस करना है। Create an application from your channel on YouTube and distribute it among your subscriber. Next पे हम क्लिक करते हैं। Next पे जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हम अपने चैनल का नाम डाल देते हैं। ये हमारा चैनल का नाम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर आप यहाँ से टाइप नहीं करना चाहते हैं तो आप माई चैनल पे जाके यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जाके माई चैनल पे क्लिक कीजिएगा। माय चैनल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो लिंक आपके सामने आती है आप इसे भी यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे इसे ये पेस्ट कर देता हूँ, इसे हम यहाँ से इतना हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो चैनल का URL है चेक वो हो चुका है। स्प्लिट चैनल इनटू प्लेलिस्ट अगर हम करना चाहते हैं इसे हमें नो करना होगा, हमें प्लेलिस्ट में अलग अलग में स्प्लिट नहीं करना है चैनल को। हम नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐप का नाम अगर आप हम देना चाहते हैं, लेट सपोज चैनल का नाम है अर्निंग ऑप्शंस, तो मैं अर्निंग ऑप्शंस इस चैनल
ऐप का नाम दे देता हूँ। मैं ऑलरेडी एक ऐप क्रिएट करके देख चुका हूँ, तो मैं इसमें अर्निंग ऑप्शंस 1 के नाम से एक ऐप दे देता हूँ। आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा कि आपका जो मोबाइल ऐप क्रिएट हो रहा है वो किस तरीके से शो होगा। देखिए यहाँ पे अर्निंग ऑप्शंस 1 के नाम से हो चुका है। ये ऐप कुछ इस तरह से दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वीडियोज़ आपको दिख रहे हैं। आप वॉच्ड वीडियो में देख सकते हैं आपने कौन कौन से देखे हैं, फेवरेट वीडियोस कौन कौन से हैं, ये सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐप कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। अब हम ऐप नाम पे जाते हैं। ऐप नाम वापस से ये किया, नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऐप सेटिंग कर चुके हैं। ऐप नाम डिस्क्रिप्शन, अब लेट सपोज हम डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि ऐप का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, तो हम ऐप के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, वेलकम टू द अर्निंग ऑप्शन मोबाइल ऐप, दिस ऐप विल हेल्प यू टू फाइंड राइट प्लेस फॉर अपॉर्चुनिटीज, थैंक्स। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। डिफ़ॉल्ट आइकन, कस्टम आइकन, आप खुद का ऐप का कोई ऐप का आइकन देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा है, अपलोड पे आप क्लिक करेंगे, अपलोड आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं एक अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये अर्निंग ऑप्शंस का मेरा जो लोगो है, मैं ये लोगो आपको सेलेक्ट करता हूँ। सेकेंड ऑप्शन इसमें क्रॉप पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। थोड़ा सा साइट स्लो है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। अपलोड होने में थोड़ा और टाइम ले रहा है। यहाँ पे अपलोडिंग हो चुकी है, चूज़ फाइल मैंने कर चुका हूँ। क्रॉप पिक्चर पे अभी इनेबल हुआ नहीं है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आप करेंगे, और जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका पूरा हो चुका है। बस आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, रजिस्टर करना होगा। आपको अपने ईमेल पासवर्ड, रिटाइप पासवर्ड, या आप फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरा ऑलरेडी है, रजिस्टर्ड है, तो मैं आपको इसमें लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने लॉगिन किया, ये मैंने अपना पासवर्ड मेंशन किया। आपको कैप्चा फिल करना होगा, कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन इन करना होगा। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, साइन इन करते ही आपका जो मोबाइल ऐप है वो क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमें 5 मिनट भी नहीं लगा और हमने एक मोबाइल ऐप इतने इजी वे में क्रिएट कर तो लिया। फाइनली ये जो ऐप है वो क्रिएट हो चुका है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरीके से दिखेगा। हम चाहें तो इसे और एडिट करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी आ रहे हैं। पब्लिश टू गूगल प्ले, कैसे पब्लिश कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। शेयर अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर हम इस लिंक के थ्रू फेसबुक पे, ट्विटर पे, जीमेल पे लोगों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला ऐप, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहला ऐप क्रिएट करना बताया। अब हम सेकंड ऐप पे जाते हैं। सेकंड ऐप में आप लोगों को जैसे बताया कि हम गेमिंग ऐप कोई क्रिएट करना चाहते हैं। लेट सपोज इसमें कोई फिश गेम का एक टेम्पलेट होगा, फिशिंग का। ठीक है, तो अब हम इस पे जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फिशिंग गेम का टेम्पलेट इसमें काफ़ी अच्छे हमें मिलते हैं, काफ़ी हेल्पफुल टेम्पलेट होते हैं जिसमें हम ईजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले ऐप सेटिंग में जाते हैं, बैकग्राउंड हमें सेलेक्ट करना है। लेट सपोज बैकग्राउंड हम यही रहने देते हैं, प्लेयर भी हम यही रहने देते हैं। हुक हम चाहें तो अलग अलग ले सकते हैं, हुक हम ये वाला ले लेते हैं। बिग फिश रखना है, ये सारी चीज़ें रखना है, बिग फिश ही रख लेते हैं। देखिए इसमें ये सारी चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऐप का नाम हम देते हैं अर्निंग फिशिंग गेम, ये हमने इसका नाम दे दिया। अब डिस्क्रिप्शन हम देना चाहते हैं, दिस ऐप विल हेल्प यू टू इंजॉय द फिशिंग गेम, थैंक्स। ये हमने रख दिया। हम यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप चाहें तो। थोड़ा सा टाइम आई थिंक ये लेगा, वेबसाइट स्लो है काफ़ी। तो चलिए 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर प्रीव्यू नहीं दिखता है तो हम फिर आगे प्रोसेस भी स्टार्ट कर देंगे। आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे होगा। ये आई थिंक टाइम लेगा, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। सेम वही प्रोसेस मैंने आपको बताया, अगर आप आइकन को ही चेक करना चाहते हैं अपलोड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आइकन जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट पे हम जाते हैं और क्रिएट पे हमें सिंपल क्लिक कर देना है। देखा होगा आप लोगों ने, हमें कुछ नहीं करना है, कुछ 4 डिटेल्स आपको फिल करनी थी। आपको एक ऐप जो क्रिएट करनी थी वो ईजी वे में आपकी जो ऐप है ये क्रिएट हो गई। ये देखिए आपकी ये जो दूसरी ऐप है ये भी क्रिएट हो चुकी है। आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, चलिए हम एडिट पर क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस इसमें हमको अवेलेबल होते हैं अगर हम ऐप को क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए अर्निंग फिशिंग जोन आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे प्रीव्यू पे हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इसमें बेसिक जो डिटेल्स थी वो यहाँ पे मेंशन थी। इसके अलावा ऐप नेम, ऐप वर्जन, डिस्क्रिप्शन, आइकन, ऐप थीम आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं एडिट करके। टैब्स देख सकते हैं आप कि इसमें टैब्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। ऐड अगर टैब ऐड करना चाहते हैं एप्लीकेशन में तो वो वहाँ से आपको सारे ऑप्शंस यहाँ से मिल जाएंगे।
तो ये दो ऐप आज देखा, आपने देखा होगा कि 5 मिनट भी नहीं लगा और हमने दो ऐप क्रिएट करके आप लोगों को दिखा दी। तो दोस्तों ये था आज का बेसिक इनिशियल फॉर्मेट जिसमें हमने दो ऐप आपको क्रिएट करके दिखाई हैं। दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम आप लोगों से शेयर करेंगे कि आप इन्हें कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, इस पे कैसे एड्स लगा सकते हैं और एड लगा के कैसे अर्न कर सकते हैं। एड लगाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, साथ में कौन कौन से अकाउंट आपके पास होने चाहिए, वो सारी डिटेल्स हम आप लोगों से आने वाले वीडियोज़ में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आज का मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर मुझे बताइएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग आगे इस मेरी वीडियो सीरीज़ को देखने में इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग ये देख जानना चाहते हैं कि हम ऐप को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो उससे मुझे पता चलेगा और मैं जल्द से जल्द आप लोगों तक तो अगला वीडियो अपना लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को बताऊँगा कि ऐप को कैसे मोनेटाइज करके आप पैसे अर्न कर सकते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अर्निंग ऑप्शन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सभी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है।